हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वॉकी टॉकीज। मेरी स्पेशल सी डॉटर की डिमांड पर बन रहा है स्पेशल सा गाजर का हलवा, तो सोचा क्यों ना ये आसान और परफेक्ट सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि शेयर कर रही हूँ कुछ टिप्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बड़ा सा पैन हमें ले लेना है, पैन ठंडा होना चाहिए, गैस को ऑन नहीं करना है। 1 किलो गाजर को धोकर पील कर शेड कर पैन में डाल लिया है। अब हम गैस को मीडियम फ्लेम पर ऑन कर लेंगे। 1 कप मिल्क डाल रहे हैं रूम टेम्परेचर, 3/4 कप शुगर डाल रहे हैं, अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो 1 कप शुगर ऐड कर लीजिए। स्वीटन मावा यूज़ कर रहे हैं तो शुगर की क्वांटिटी कम करनी है। रिचनेस के लिए आप मलाई या हैवी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ढक कर आपको इसे 40 मिनट तक पकाना है, लेकिन हर 10 मिनट के इंटरवल पे इसे स्टिर करना है। जैसे जैसे मिल्क रिड्यूस होता जाएगा, आप इसे 5 से 6 मिनट के गैप में स्टिर करते रहिए ताकि हमारी गाजर नीचे नहीं लगे और जले नहीं। आप देखेंगे धीरे धीरे करके जो मिल्क है वो रिड्यूस होता जाएगा और अब हमारा जो मिल्क है वो पूरी तरह से 40 मिनट में इवेपोरेट हो चुका है। देखिए गाजर कितनी खिली खिली हो चुकी है। अब हम इसमें 3/4 कप शुगर और ऐड कर रहे हैं। आप शुगर अपने स्वादानुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। 1 टीस्पून कार्डमम पाउडर डाल रहे हैं। यहाँ पर मैंने पिस्ताचो और बादाम को 4 से 5 घंटे गर्म पानी में भिगो लिया था, छील कर मैंने उसे हाफ में कर लिया और यहाँ पर उसे ऐड कर लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप देसी घी डाल लेंगे। जैसे ही देसी घी जाएगा गाजर में, गाजर एकदम शाइनी शाइनी दिखने लगेगी, बहुत ही सुंदर दिखती है। पर स्पैटुला की हेल्प से किनारों में लगे हुए गाजर और शुगर के सिरप को हटाना मत भूलेगा, नहीं तो सारा स्वाद बिगड़ जाएगा। पूरी किचन में ना अरोमा फैल गया है, कैरेट का, देसी घी, कार्डमम, ड्राई फ्रूट्स। डॉटर आ गई है, पूछ रही है कब रेडी होगा ये गाजर का हलवा, मुँह में पानी आ रहा है। तो ये यहाँ पर ऐड कर रहे हैं 1 कप मावा। अगर आप बाहर से मावा नहीं लाना चाहते हैं तो मैंने मावा घर पर कैसे बनाएं की रेसिपी चैनल पर डाली हुई है, यहाँ पर मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, आप देखकर ट्राई जरूर करिएगा। स्टिर करना है हमें इसे ओकेजनली और 20 से 22 मिनट तक इसे कुक करना है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, ये ऑप्शनल है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मावा फ्लेवर के लिए मैं और ऐड कर रही हूँ। इस मावा को ऐड करने के बाद 4 से 5 मिनट से ज़्यादा हमें इसे कुक नहीं करना है। हमारा गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार है। मेरा 1 किलो गाजर का हलवा 1 घंटा 10 से 15 मिनट में रेडी हो गया। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेटर में या एक बॉल में, और क्योंकि हम इसे गार्निश करने वाले हैं खोआ और ड्राई फ्रूट से, आप चाहें तो इसमें श्रेडेड पनीर भी डाल सकते हैं, बहुत ही यम्मी टेस्ट आता है। और अगर आपको किशमिश पसंद है तो आप किशमिश को सोक करके इस टाइम पर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। गरम गाजर के हलवे में किशमिश आपको बिल्कुल नहीं डालनी है। अगर आपका गाजर का हलवा किसी रीज़न से एक्स्ट्रा मीठा हो जाता है तो आप पनीर या खोया पैन में डाल लीजिए, गाजर का हलवा उसमें डाल लीजिए और 4 से 5 मिनट तक उसको पका लीजिए, तो आपका गाजर का हलवा मीठा कम हो जाएगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।